بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ASM TV 24 में शारिक अख्तर आपका खैर मुकदम करता है. नाज़रीन कराम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मस्जिदों की सीरीज में अगली मस्जिद जिसके बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं वही मस्जिद मोठ. ये मस्जिद 1505 में सुल्तान लोधी ने बनवाई थी. इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोठ क्यों पड़ा? दरअसल सुल्तान लोधी ने मस्जिद मोठ बनवाने के लिए जो ज़मीन दी उसके इर्द गिर्द के जो खेत थे वो मस्जिद की तामीर के लिए दिए. उस खेत पर दाल की खेती होती थी. उस दाल की उनको फरोख्त करके उससे ये मस्जिद तामीर की गई, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोठ पड़ा. आइए देखते हैं मस्जिद मोठ का नज़ारा. नाज़रीन कराम, देखिए ये ही मस्जिद मोठ का बाहरी दीवार. देखिए बाहर से ही देखने में ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है. देखिए इसका नज़ारा कितना ही खूबसूरत और दिलफरेब है. नाज़रीन कराम, ये है इस मस्जिद का दाखली दरवाज़ा. देखिए इस पर कुरानी आयतें खुदी हुई हैं. ये मस्जिद 1505 ईस्वी में तामीर हुई थी. देखिए ये इस मस्जिद का दरवाज़ा है, कितनी जर्जर हालत में और खस्ता हालत में है. इसकी दीवारें तकरीबन गिर चुकी है, प्लास्टर झड़ चुका है. देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देख रेख करता है. उनकी निगरानी में होने के बावजूद इसका दरवाज़ा तकरीबन आधा मंदम हो गया है. जी देखिए ये है हौज़ यानी वजू खाना. यहाँ पर बैठकर वजू की जाती थी. इसका बाहरी हिस्सा है. देखिए बाहरी हिस्सा भी और बाहर से देखिए कितने खूबसूरत लग रही है ये मस्जिद. नाज़रीन कराम, ये जो आप बिल्डिंगें बनी देख रहे हैं और ये मकाना जो बने हुए हैं ये मस्जिद की ही जगह पर काफ़ी जोकर बनाए गए हैं. और तकरीबन यहाँ पर सब गैर मुस्लिम ही रहते हैं जिसकी वजह से ये मस्जिद आबाद नहीं हो पाई. कहते हैं कि इस मस्जिद में नमाज होती थी. यहाँ के गैर मुस्लिम लोगों ने मस्जिद के नमाज पढ़ने मस्जिद में नमाज पढ़ने के खिलाफ स्टे ले लिया और यहाँ नमाज बंद करा दी. मगर ऐसा नहीं है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी सारे कदीमा ने जब इसे तहवील में लिया था उस वक्त से इसमें नमाज बंद है. अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं. देखिए
सामने कुछ कपल्स लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं और वो सामने देखिए मिंबर पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं, जूते और चप्पलों समेत बैठे हुए हैं। और देखिए ये जा रहा है, ये लड़का भी अंदर गया है, उसने भी मिंबर पर पैर रखे खड़ा हो गया, जूते इसने भी रखे हैं। हाँ अभी इनके नज़दीक जाएंगे और सब आपको दिखाएंगे। देखिए ये मुसल्ला है जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ क्या गंदगी हुई हुई है, देखिए पेशाब कर रखा है लोगों ने और गलाजत भी पड़ी हुई है, देखिए कितनी गंदगी यहाँ कर रखी है। ये मेंबर पे ये बैठे हुए हैं, देखिए आज ही लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हम इसकी देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं। ये कैसी देख रेख और कैसी सफाई है ये आपके सामने है। जब हमने इस बाबत यहाँ के गार्ड से बात की तो उसने बताया कि हम क्या करें, यहाँ के नौजवान और आवारा लड़के यहाँ आ जाते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कपल्स यहाँ आते हैं, अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। बड़ा अफसोस होता है हमें जब हम आपकी इन मस्जिदों की ये हालत देखते हैं। नाज़रीन कराम, ये कैसा कानून है कि मस्जिद के अंदर जुआ खेल सकते हैं, शराब पी सकते हैं, अय्याशी कर सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते? नमाज पढ़ने से मस्जिद की हैबत तब्दील हो जाती है। मस्जिद सिकंदर लोधी के वज़ीर आज़म मियां भोया ने 1505 ईस्वी में तामीर की। ये मस्जिद लाल पलवा पत्थरों से तामीर की गई है, पत्थरों पर पुरानी आयतें पदी हुई हैं, पत्थरों को खूबसूरत जालियों में काट कर इन्हें लगाया गया है। छत पर बहुत बड़ा और एक खूबसूरत गुंबद है और एक और दो छोटे गुंबद है। इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं बनवाई गई है, ये मॉडर्न इस्लामी फन तामीर थी। इस मस्जिद की बुनियाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने हाथों से रखी थी। इस मस्जिद की दिलचस्प कहानी है। मशहूर रिवायत है कि जब सुल्तान लोधी मोट की मस्जिद के मुकाम के आसपास एक मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक दाल के बीज को सड़क पर पड़े हुए देखा। उन्होंने उसे बगौर मुशाहदे के साथ देखा। वज़ीर आज़म मियां भोया भी बादशाह के हमरा थे। इस दाने उन्होंने बीज दाने को देखा और मुशाहदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बीज जिसकी अजमत से एजाज़ हासिल हो फेंका नहीं जाना चाहिए। चुनाचे उन्होंने उस दाल के बीज को अपनी जुब्बे की जेब में रख लिया और फिर उसे अपने बाग में बो दिया और कई साल तक उसके बीज को बोते और उगाते रहे और ये काम
अंजाम देते रहे। इस अमल में बीज कई गुना बढ़ गया। वजीर ने आखिर में भरपूर फसल काटी और अच्छी खासी रकम कमाई। सुल्तान से मस्जिद की तामीर की इजाज़त लेने के बाद इसने इस फरोख्त की आमदनी से मस्जिद बनाई। सुल्तान लोधी वज़ीर आज़म की इस मेहनत से और जज्बे से मुतासिर हुए और सिकंदर लोधी ने मस्जिद की बुनियाद अपने हाथों से रखी। इसीलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद मौत पड़ा। एक रिवायत यह भी है कि सुल्तान ने अपने वज़ीर आज़म को दाल के इस बीज को इनाम में देकर मजाक बनाया, मगर वज़ीर आज़म ने इसे फेंका नहीं बल्कि अपने बाग में बो दिया और सालों बीज को बार बार बोने से अच्छी खासी फसल हासिल की और उसे फरक कर अच्छी रकम हासिल की और इससे ये मस्जिद बनवाई। नाज़रीन कराम, दुख होता है हम जब अपनी इन इबादतगाहों को, मस्जिदों की बेहरमत को देखते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि हम इनकी हिफाजत करते हैं, इनका रख रखाव करते हैं। ये किस तरीके की हिफाजत है, किस तरीके का रख रखाव है और किस तरीके का ये कानून है कि मस्जिद के अंदर फकल अय्याशी कर सकते हैं, शराबें पी जा सकती है, जुआ हो सकता है, लेकिन इबादत नहीं हो सकती, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी समझे और हमारी इन मसाजिदों की रख रखाव और साफ सुथराई का ख्याल रखे। अगर आपसे नहीं होता, मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन मस्जिदों में नमाज की इजाज़त दे और नमाज पच वक्ता ना हो, तीन वक्त की ही नमाज हो, तो यहाँ पर सफाई सफाई अपने आप ही होगी। और इनको स्टाफ रखने का और किसी चीज़ का भी कोई खर्चा नहीं होगा। देखिए, नाज़रीन कराम, ये थी पूरी मस्जिद मोड। मैंने आपको ये पूरी मस्जिद मोड दिखा दी है। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मस्जिद का देखभाल और रख रखाव अच्छे तरीके से करें और सफाई सुथराई का भी माकूल इंतज़ाम करें, वरना अगर वो ये काम नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दें कि हम मस्जिद की रख रखाव अपने जिम्मे लें। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी भी तारीख पर मकामात की सैर पर जाएं और वहाँ पर मस्जिद हो तो आप उस मस्जिद के तकद्दस और हुरमत का ख्याल रखें। मस्जिद में जूते और चप्पल पहन कर ना जाएं, हो सके तो मस्जिद में नमाज अदा करने की कोशिश करें। अगर आप मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते तो तीन दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़कर मस्जिद का हक अदा करें। अब आप शारिक अख्तर को इजाज़त दीजिए, आइंदा आपको एक नई मस्जिद के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।